गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कविता, नाम है कैलेंडर। सूरज बड़तिया के द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत सी कविता। क्या कहता है कैलेंडर? हर रोज हमारे आंखों के सामने होता है कैलेंडर, हर रोज नई बात में कह जाता है कैलेंडर। तारीख बदलता है, वार बदलता है, तिथि बदलता है, और साथ में एक नया विचार, नई सोच और नई उम्मीद लेके आता है, वो है कैलेंडर। मैंने एक छोटी सी कविता कहीं पर पढ़ी थी, लिखा था गुजराती में है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि कैलेंडर का एक पन्ना फाड़ने से पहले, कैलेंडर का एक पन्ना फाड़ने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि आपके जीवन का भी एक दिन कम हो गया है। विद्यार्थी मित्रों, आपके लिए अगर मैं कहूँ तो ट्वेल्थ बोर्ड है आप, और ट्वेल्थ बोर्ड के लिए भी कुछ इस प्रकार से ये पोएम आपको इफेक्ट करेगी कि कैलेंडर का एक पन्ना फाड़ने से पहले ये भी ज़रूर सोचिएगा कि बोर्ड के प्रति आपकी तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का एक दिन कम हो गया है। यही सोच के साथ, यही अच्छी उम्मीद के साथ, यही एनर्जेटिक बात के साथ हम शुरू करते हैं पोएम कैलेंडर। सूरज बड़तिया के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जन्म हुआ है पूर्व दिल्ली सिलमपुर के अंदर। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा नाई गोविंद प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पूर्ण किया, और वर्तमान के अंदर जो दयाल बाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहां पर एज अ सहायक प्राध्यापक के रूप में उसने अपना काम किया। सन 1997 के अंदर कविता लेखन किया और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के अंदर और पत्र पत्रिकाओं के अंदर उसकी कविता, कहानियां और लेख प्रकाशित होने लगे। संघर्ष, युद्धरत आदमी, दलिल अस्मिता आदि पत्रिकाओं के अंदर भी उसने अपना संपादन किया है। और आज ऐसे ही महान साहित्यकार की एक खूबसूरत सी कविता कैलेंडर हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर बात कर रहे हैं नौकरी पेश व्यक्ति के बारे में, जो हर रोज सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, और वही टिफिन के साथ अपने सरकारी दफ्तर के अंदर या खानगी कंपनी के अंदर जाकर अपना काम करता है, और वही टिफिन के साथ बाकी सारे फाइल पैक करके वापस से वही घर के अंदर, वो चार दीवारी के अंदर सिमट जाता है। क्या यही है जीवन? क्या यही है कैलेंडर? बस यही निरस्ता का वर्णन कैलेंडर के माध्यम से करने की कोशिश सूरज बड़तिया और आपका महेंद्र जोशी कर रहा है कि घर और दफ्तर में, घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है, उसे देखकर मुझे रोज ही दिनचर्या याद आती है। घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है, उसे देखकर रोज दिनचर्या याद आती है। रोज घर से निकलकर ऑफिस आता हूं, और ऑफिस से घर, दिन, महीना बदलता जाता है, और बदलता जाता है कैलेंडर का पन्ना। मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूं, पर कुछ भी नया नहीं, उसी पुराने एहसास के साथ। रोज दिन छिपते पर सुबह की आस में इंतजार करता हूं, पर क्या करूं, सूर्योदय के साथ फिर वही काम, और फिर से इंतजार तुम्हारा। यह जानते हुए भी कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी भी नहीं आओगे सूखे बरगद को हरितिमा देने के लिए। हरितिमा का मतलब होता है हरियाली। प्रस्तुत काव्य उसके अंदर नौकरी पेशे के व्यक्ति के बारे में जो बताया गया है वो कुछ इस तरह से है कि रोज अपने आप को बदलने वाला कवि, उसके जीवन में कहीं कोई नयापन नहीं लगता है। घर दफ्तर में कैलेंडर लगा है, उसको देखकर कवि की रोज की दिनचर्या याद आती है, और
उसको देखकर कवि की रोज की दिनचर्या में अपने आप को दफ्तर तो कभी घर में पा लेता है। इसी तरह दिन महीना बदलता जाता है, कैलेंडर का पन्ना भी बदल जाता है। कवि कहता है कि कैलेंडर के पन्ने की तरह मैं भी हर रोज बदलता हूं, लेकिन पुराने एहसास के साथ कुछ भी नया नहीं है। हर रोज दिन छिपने पर सुबह की आशा में इंतजार करता हूं, सूर्योदय के साथ फिर वही काम और फिर से तुम्हारा इंतजार। यह जानते हुए भी सुबह की रोशनी की तरह मैं सूखे बरगद की पेड़ की हरियाली बनाने के लिए तुम पता नहीं कब आओगे कब आओगे कब आओगे। बस यही बात है जो हमें सूरज जी ने बताई है।